यहाँ पे मैंने दो कटोरी चावल लिए हैं जिनको अच्छे से दो तीन बार मैंने वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसी तरीके से अब हम चावल को भिगो के रखेंगे पानी के अंदर लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे के बाद मैंने चावल का जो सारा पानी है उसको स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल दिया है और इस तरीके से अब हम इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट तक, जब तक जितना भी चावल का पानी है वो अच्छे से निकल ना जाए। 10-15 मिनट हो गए हैं, जो पानी है वो काफ़ी निकल गया है लेकिन थोड़ी थोड़ी नमी है इसमें अभी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है उसमें चावल को डालेंगे इस तरीके से और अब हम इसको करेंगे ड्राई रोस्ट, जब तक इसका सारा का सारा जो पानी है वो उड़ ना जाए और हल्के हल्के बिल्कुल हल्का इनका कलर चेंज ना हो जाए। चावल की जो नमी है वो अच्छी तरीके से चली गई है, बिल्कुल ड्राई हो गए हैं ये और आप देख पाएंगे तो इनका हल्का हल्का सा जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। बस इतना ही हमें करना है, अप्रॉक्स 10 मिनट के आसपास मेरे को लगे इनको ड्राई रोस्ट करने में और अब इनको हम मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड करेंगे बिल्कुल फाइन। ये देखिए मैंने इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है, पाउडर फॉर्म में ये हो गया है, बिल्कुल फाइन ग्राइंड हमें करना है। देखिए बिल्कुल एक तरीके का ये पाउडर ही बन गया है और लगभग 5 से 6 राउंड मैंने मिक्सी के अंदर लगाए हैं इसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में करने के लिए। अब मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया है एयर टाइट कंटेनर में। इस राइस पाउडर को आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जब भी आपको राइस खीर बनानी हो अपने बेबी के लिए तो 2 चम्मच आप डालिए राइस पाउडर, उसके अंदर 1 कप के अराउंड आप डालिए फुल फैट मिल्क और उसको सिम गैस पे आप 3 से 4 मिनट तक पकाएं, बस बिल्कुल रेडी हो जाएगी खीर बनके और अपने बच्चे को खिलाइए आप। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत ही जल्दी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, happy cooking!